हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मोबाइल प्लेयर वर्सेस पीसी प्लेयर का कंपैरिजन करने वाला हूं। अगर आप मुझे पहले से जानते होंगे तो आपको भी पता होगा मैं मोबाइल और पीसी दोनों में फ्री फायर खेलता हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन से डिवाइस में फ्री फायर खेलने से कितना बेनिफिट मिलता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। मोबाइल और पीसी प्लेयर्स की बहुत से कंपैरिजन वीडियो पहले से ही बन चुके हैं, लेकिन उन लोग सिर्फ पीसी प्लेयर्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहां पर मैं खुद भी एक पीसी प्लेयर हूं, तो पीसी प्लेयर्स को होने वाले प्रॉब्लम्स ना सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि आपको दिखाऊंगा भी, जिनको आने के बाद आपका पीसी प्लेयर्स के लिए सोच पूरा बदल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मोबाइल प्लेयर्स और पीसी प्लेयर्स की बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में तो सभी पहले से जानते ही हैं। और मुझे मोबाइल में फ्री फायर खेलते हुए लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा हो रहा है, तो मुझे अच्छे से पता है मोबाइल प्लेयर्स को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं पॉइंट के साथ आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा और इसके बाद एमुलेटर मतलब पीसी प्लेयर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं मोबाइल डिवाइस से। अगर हम फ्री फायर गेम को मोबाइल में खेलेंगे तो हमको सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फिंगर चिपकने का स्क्रीन पे। अगर हम गेम खेलते रहते हैं और जहां पर फास्ट मूवमेंट की जरूरत रहता है वहां पर फिंगर बहुत ज्यादा चिपकने लगता है, या फिर फ्री फायर आपको भी पता होगा उसमें ड्रैग हेडशॉट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जब भी आपको वन टैप मारना है या फिर ड्रैग शॉट मारना है तो ऐसे में आपको ड्रैग करना पड़ता है, वहां पर फिंगर चिपकता है जिसके कारण से हेडशॉट नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल प्लेयर्स के लिए। इससे बचने के लिए बहुत लोग फिंगर स्लीव का यूज करते हैं और कुछ लोग पाउडर भी लगाते हैं अपने फिंगर पे। और अब बात कर लेते हैं मोबाइल प्लेयर्स को आने वाले सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, तो वो रहता है कस्टम एचयूडी को लेकर के। फ्री फायर में बहुत से ऐसे अपडेट आते हैं जिसमें कस्टम एचयूडी को ही अपडेट कर दिया जाता है। जब से मैं फ्री फायर गेम खेल रहा हूँ 3 से 4 बार कस्टम एचयूडी का अपडेट आ गया है, जिसके बाद गेम प्ले पूरा बिगड़ जाता है। और मोबाइल प्लेयर्स को तीसरा प्रॉब्लम हाथ में पसीने आने की वजह से होता है। थोड़ा सा भी गर्मी में हम बैठे रहेंगे तो बहुत ज्यादा पसीने आ जाते हैं, जिसके वजह से टच उल्टा सीधा काम करने लगता है। और इसी तरह चौथा प्रॉब्लम मल्टी टच का बोल सकते हैं। जब भी हम अपनी स्क्रीन में बहुत जल्दी जल्दी टच करते हैं, या फिर अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो या 4 फिंगर प्लेयर हो जिससे आपको बहुत जल्दी जल्दी टच करना रहता है, तो ऐसे में कई टच काम ही नहीं करता है या फिर कभी कभी गलत टच काम कर जाता है। और मोबाइल प्लेयर्स को पांचवा प्रॉब्लम बैटरी लो होने के बाद आता है। एक बार बैटरी लो हो गया तो मोबाइल बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और हीट होने के बाद बहुत ज्यादा लैग करने लगता है। इतना लैग होता है कि हम बिल्कुल भी गेम नहीं खेल सकते। और इसी तरह मोबाइल प्लेयर्स को कुछ बेसिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जैसे कि हम कहीं भी रहें फ्री फायर को आराम से खेल सकते हैं, या फिर हम मोबाइल परचेस करने जा रहे हैं तो बहुत सस्ते पड़ते हैं। आप एंड्रॉइड का सबसे अच्छा मोबाइल परचेस करना भी चाहते हो वो भी 50,000 तक मिल जाता है, लेकिन पीसी का बात करें तो यहाँ पर 50,000 से स्टार्ट ही होता है। अगर 50,000 से नीचे का पीसी है तो फ्री फायर उतना अच्छे से नहीं चलेगा, लैग करता है। और मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कैसे खेलना है ये सीखना बहुत इजी होता है और खेलना भी बहुत सरल पड़ता है। तो ये हो गया गाइस मोबाइल प्लेयर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं पीसी प्लेयर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। वैसे बेनिफिट्स के बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन पीसी प्लेयर्स का जो प्रॉब्लम्स हैं गाइस उसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। मोबाइल प्लेयर्स का जितना भी प्रॉब्लम है वो बेसिक है, उसके बारे में सभी सोच भी सकते हैं, लेकिन पीसी प्लेयर्स को जितना बेनिफिट्स मिलता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए अब मैं सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके आपको बताता हूँ और साथ में दिखाता भी जाऊंगा। तो इनमें से पहला प्रॉब्लम है गाइस, अगर आप फ्री फायर को थोड़ा लंबे समय तक खेल लिए, मतलब 2 मिनट भी खेल लिए, उसके बाद आप एम करने जाओगे तो आपका एम थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ करके एमिंग होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा भी माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बीच में एम छूट जा रहा है, उसके बाद मतलब एम ऑटोमेटिक एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाएगा और सेंटर पे हम ले जा ही नहीं सकते, इस तरीके से होने लगता है। ये हर 1 या 2 मिनट के अंतराल में होता है जब भी हम मूवमेंट कर लेते हैं। अब एमुलेटर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को अपने कर्सर को ऑन ऑफ करना पड़ता है बार बार, मतलब हर 1 मिनट 2 मिनट के अंतराल में अपने कर्सर को ऑन ऑफ करेंगे तब हम लोग का एम स्मूथली काम करता है। जैसे अभी मैं ऑन ऑफ कर लिया, उसके बाद मेरा एम स्मूथली अब काम कर रहा है, हर जगह पे जा पा रहा है, और 2 मिनट बाद ये फिर से वैसे ही प्रॉब्लम आने लगेगा। और जब भी हम अपने कर्सर को ऑन ऑफ करते हैं उसके बाद हमारे पीसी का मेन प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर हम कर्सर को ऑन ऑफ कर लिए उसके बाद अगर मूवमेंट करते हुए मतलब जॉयस्टिक यूज करते हुए अगर हम अपने कर्सर को ऑफ कर दिए, उसके बाद हम ड्रैग करने जाएंगे तो एम स्टक हो जाता है। हम हेडशॉट जितना भी मारने का कोशिश करें लेकिन वो थोड़ा सा भी एम ऊपर नहीं जाएगा, वहीं के वहीं स्टक रहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं माउस को बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहा हूं, मतलब पूरा माउस को खिसका रहा हूं, उसके बाद भी एम टच से मस नहीं हो रहा है वहां पर, इसको बोलते हैं एम स्टक। तो इसके लिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग को गेम प्ले के बीच में ही अपने माउस के कर्सर को फिर से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और इसी तरह तीसरा प्रॉब्लम भी हमारे माउस से रिलेटेड ही है। अगर हम कर्सर को ऑन ऑफ कर रहे हैं जो कि हर 1-2 मिनट में करना ही पड़ता है, तो उस बीच में जॉयस्टिक आ सकता है। कर्सर जहां पर ऑफ होता है ना, मतलब सेंटर पे, वहां पर कभी कभी जॉयस्टिक आ जाता है, और उसके बाद माउस को इधर उधर खिसकाएंगे तो एम काम नहीं करेगा बल्कि जॉयस्टिक काम करेगा। और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग को माउस को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसका। और वैसे अलग अलग एमुलेटर का थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मैं ब्लू स्टेक का बात कर रहा हूँ जिसमें फ्री फायर के लिए सबसे अच्छा एमुलेटर माना जाता है। और पीसी में गेम खेलते समय चौथा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोला जा सकता है
सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। फ्री फायर में सेंसिटिविटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको भी पता होगा। तो हम लोग जब कर्सर को ऑन ऑफ कर लेते हैं उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया एमुलेटर में तो हमारा सेंसिटिविटी कभी ज्यादा काम करेगा, जैसे लेफ्ट स्क्रॉल कर रहे हैं तो ज्यादा काम कर दिया, राइट कर रहे हैं तो कम काम कर रहा है, ऊपर हम लोग ड्रैग करने का कोशिश करें ऊपर पे कम काम कर रहा है तो नीचे पे ज्यादा काम कर रहा है, ऐसा होने लगता है। और उसके बाद जॉयस्टिक बीच में आने लगता है, तब हमको पता चलता है कि सेंसिटिविटी को प्रॉब्लम है। अगर जॉयस्टिक जब तक नहीं आता तब तक तो हम लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि हम लोग को सेंसिटिविटी का कुछ प्रॉब्लम है और हेडशॉट लगता ही नहीं है। और इसी के साथ पांचवें प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो ये जॉयस्टिक से रिलेटेड होता है। अगर जॉयस्टिक को हम अचानक से यूज कर रहे हैं, जैसे कि कहीं कवर से निकल करके हम फायर किए उसके बाद तुरंत के तुरंत जॉयस्टिक यूज करके हम लोग को कवर पे जाना है तो उस समय पे जॉयस्टिक भी स्टफ हो जाता है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, जॉयस्टिक कुछ भी काम नहीं करेगा, ना वो लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, बस सेंटर पे वो जॉयस्टिक दिखाई देते रहता है, तो छोड़ करके फिर से हम लोग को दबाना पड़ता है। इसी कारण से मैं बहुत बार मर चुका हूं पीसी में, जब भी मैं गेम खेलते रहता हूं कवर से निकल करके मारा उसके बाद जॉयस्टिक यूज करने जाओ तो जॉयस्टिक स्टक हो जाएगा, हम वहीं पर खड़े हो जाएंगे कवर के बाहर ही, कोई भी बंदा आसानी से हम लोग को हेडशॉट मार सकता है। तो इससे बचने के लिए पीसी प्लेयर्स को जॉयस्टिक कम से कम यूज करना पड़ता है, कवर पे जाने के लिए तुरंत गन चेंज करना पड़ता है, उसके बाद रनिंग का बटन दबा करके हम लोग को कवर में जाना पड़ता है। अब आगे मैं जो चार प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं वो सभी बेसिक है जिसके बारे में आप भी अंदाजा लगा सकते हो, जिनमें से पहला है गेम क्रेश का प्रॉब्लम। फ्री फायर एक मोबाइल गेम है, एमुलेटर के लिए बना नहीं है और फ्री फायर की तरफ से कोई ऑफिशियल एमुलेटर भी नहीं बनाया गया है, तो थर्ड पार्टी एमुलेटर में ही खेलना पड़ता है, तो उसमें गेम क्रेश का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर हम ज्यादा गेम खेल रहे हैं तो एक दो दिनों में एक दो बार गेम क्रेश होता ही है, जबकि अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल है तो गेम क्रेश कभी भी नहीं होता है। मैं मोबाइल पे देखा हूं, मेरे में तो अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो कस्टम ज्वाइन करने से होता है। अगर हम किसी से कस्टम बनवा रहे हैं तो उनको एमुलेटर ऑफ रखना पड़ेगा, या फिर किसी थर्ड पर्सन के कस्टम में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं वो एमुलेटर को ऑफ नहीं किए हैं तो हम लोग जा भी नहीं सकते। तीसरा प्रॉब्लम है, अगर आप फ्री फायर को बहुत सीरियस लेते हो और आगे चल के टूर्नामेंट वगैरह खेलना चाहते हो तो ऑफिशियल टूर्नामेंट में फ्री फायर अलाउ नहीं होते हैं। और चौथा और आखिरी प्रॉब्लम जो अभी अभी आया है फ्री फायर में वो है मैच मेकिंग से रिलेटेड। अगर आप बैटल रॉयल रैंक खेलना चाह रहे हैं तो उसमें तो मैच मेकिंग लगता ही नहीं है, और अगर आप सीएस रैंक खेल रहे हैं तो मैच मेकिंग तो एक दो मिनट में लग ही जा रहा है, लेकिन उसमें ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर आ रहे हैं अपोजिट पे, और अगर ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर नहीं आते तो हैकर्स आकर के मजे लेकर चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैच मेकिंग का बहुत प्रॉब्लम है। मैं लाइव कर रहा था और मैं ब्रॉन्ज वाले आईडी से खेल रहा था, उसमें भी अपोजिट टीम पे दो ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर आ गए थे जिनमें से एक ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर हैकर भी निकला। तो इसी तरीके से खेलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसी कारण से मैं अभी पीसी पे गेम खेलना ही बंद कर दिया हूं। खेलने का कुछ मतलब ही नहीं निकलता, क्लासिक ही खेलना पड़ता है, बाकी रैंक का हालत बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना पीसी प्लेयर्स को जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सभी मैं बताया हूं, आपको पता था कि नहीं पता था। और गाइस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मैं अपने तरीके से बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश किया हूं वीडियो को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। अब मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सभी को बाय बाय।